गाइस, आपका अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में मैं योगेंद्र शर्मा फिर से स्वागत करता हूं। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। और आज हम देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये मैं पीछे से भी बताता आ रहा हूं कि प्रत्येक जो टेंस होता है उसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसकी जो वर्ब होती है उसके बाद में होती है पहचान। और इसमें भी वही है कि इसकी वर्ब के जो अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वर्ब के अंत में, ठीक है। और ये आने पर हमें कैसा पता चलेगा कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है, ये इसी का सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वो किसका होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। और मैंने पहले भी बताया था कि विल और शैल, जैसे विल और शैल का प्रयोग होता है ऐसे ही विल हैव और शैल हैव का, मीन्स आई और वी के साथ शैल हैव और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव लगाते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। और इसमें यदि पहले आता है तो पहले के लिए बिफोर लगाया जाएगा, ओके। अब पांचवी बात क्या होती है, यदि वाक्य में टू इंसिडेंट्स हैं, दो घटनाएं, इफ दे आर टू इंसिडेंट्स इन ए सिंगल सेंटेंस मींस, तो हम पहली घटना को फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरी घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट इंसिडेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर परफेक्ट एंड सेकंड वन इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहली घटना फ्यूचर परफेक्ट और दूसरी घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह अपना पाठ याद कर चुके हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, ये हुआ सिंपल, इसमें एक ही इंसिडेंट है। तो सीधा साधा, पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने विल हैव, उसके बाद में वर्ब याद करना, और याद करने की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, सी विल हैव लर्नड, और अपना पार्ट ऑब्जेक्ट हो गया हर लेसन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लेक्स का। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इसमें दो इंसिडेंट होंगी, एक इससे पहले वाली और एक इससे बाद वाली। तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था कि हमेशा बाद वाले हिस्से को शुरू में बनाते हैं और इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साधा बनेगा कि बाद वाला हिस्सा है तो शुरू में फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और ये पहले वाला हिस्सा बाद में जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अब देखते हैं इसको, वह अपने घर पहुंच चुकेगा, तो ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव और पहुंचने की थर्ड फॉर्म होती है रीच, ही विल हैव रीच्ड और अपने घर हिज हाउस, पहले की अंग्रेजी लगा देंगे बिफोर और फिर सूर्य का छिपना द सन सेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिमाइंड कर देता हूँ कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ही सी इट और एक वचन जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें सेट में एस जोड़ा, हाँ समझ रहे हैं ना आप। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको पहले से ही पता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, लेकिन एक बात है इसमें, हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव और शैल हैव है, कौन सी है, विल हैव और शैल हैव। तो नोट का यूज जो कहाँ होता है, इनके बीच में होता है, नोट का यूज कहाँ होता है, इनके बीच में। तो कैसे बनाएंगे, बाद वाला हिस्सा बनाएंगे, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, अपना कार्य हिज वर्क, बिफोर पहले की अंग्रेजी लगा दी और मेरे सोने सो आई स्लीप, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई स्लीप, बीच में नॉट का प्रयोग होता है। ऐसे ही अब जब हम इंटरोगेटिव देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा मीन्स विल या शैल तो सब्जेक्ट से पहले आते हैं और हैव सब्जेक्ट के बाद आता है, विल या शैल सब्जेक्ट से पहले और हैव सब्जेक्ट के बाद। जैसे क्या मेरे स्कूल जाने से पहले तुम नाश्ता कर चुकेगे, तो बाद वाला हिस्सा बनाएंगे तुम नाश्ता कर चुकोगे, लेकिन इंटरोगेटिव बनाएंगे फर्स्ट टाइप, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, क्या होगा, विल सब्जेक्ट से पहले और हैव सब्जेक्ट के बाद, यू बीच में आ गया ये, तो विल यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, पहले की अंग्रेजी लगा दी, बिफोर आई रीच द स्कूल और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, सेम चीज है, बाकी हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही दो हिस्सों में, एक विल सब्जेक्ट से पहले और हैव सब्जेक्ट के बाद। मोहन क्या कर चुकेगा, हाँ तो पहले क्या की अंग्रेजी लगाएंगे व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा विल, फिर सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में फिर हैव लगाया,
व्हाट विल मोहन हैव, और करने की अंग्रेजी डू होती है, उसकी थर्ड फॉर्म डन। व्हाट विल मोहन हैव डन बिफोर, पहले की अंग्रेजी, और हमारे आने वी कम, हमारे आने से पहले मोहन क्या कर चुकेगा, तो व्हाट विल मोहन हैव डन बिफोर वी कम। तो दोस्तों बड़े ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक यू मस्ट हैव ग्रेस्प्ड। ओके, थैंक यू।